यूपी में कांवड़िया यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर अब विवाद हो रहा है, लेकिन बिहार के बोधगया में दुकानदारों ने अपनी इच्छा से ऐसा कर लिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो फरमान यूपी सरकार का है, लेकिन असर बिहार में दिखाई दे रहा है। जी हां, महाबोधि मंदिर के बाहर दुकान लगाने वाले कई लोगों ने कहा है कि इससे उनके कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता और हर धर्म के लोग उनसे खरीदारी करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद इस पर पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, लेकिन अब बिहार में कुछ दुकानदारों ने अपनी इच्छा से दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दिए हैं। बोध गया के महाबोधि मंदिर में भी सावन महीने में हजारों कांवड़ियां पहुंचते हैं और गर्भगृह में स्थापित भगवान शिव पर जल और बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसी को देखते हुए बोध गया के स्थानीय दुकानदारों ने अपनी आपसी सहमत के बाद दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दिए हैं। हिंदू और मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी स्वेच्छा से फल की दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा रखा है। कुछ फल दुकानदारों ने बीते 20 सालों से अपना नाम दुकान के आगे लिख रखा है। स्थानीय फल दुकानदारों ने बताया कि नेम प्लेट लगाने के बाद भी कारोबार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी धर्म के लोग खरीदारी करने आते हैं। वहीं बोध गया के फल दुकानदार बताते हैं कि यहां पर देश और विदेश के ग्राहक भी आते हैं, सावन महीने में कांवड़िए भी आते रहते हैं और यहां पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। दुकानों में नेम प्लेट तो जरूर होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की बात हो तो उसकी पहचान हो सके कि आखिर उस दुकानदार से सामान लिया गया। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट लगाने से किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों का आस्था और इस नेम प्लेट से बौद्ध गया में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बौद्ध गया में आने वाले श्रद्धालु भी मानते हैं कि नेम प्लेट लगाने से कोई भेदभाव नहीं होगा।